नमस्कार दोस्तों, भोली निधि नर्सरी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पपीते के बारे में। पपीते जब हम आप नर्सरी से लेते हैं तो पपीते की हाइट क्या होनी चाहिए, और छोटी हाइट लेने से और बड़ी हाइट लेने से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पपीतों को लगाया कब जाता है। तो पपीता लगाने का सबसे सही टाइम फरवरी और मार्च होता है। तो पपीता अगर हम आप लगाते हैं, बड़े पैमाने पे खेती करना चाहते हैं, तो आप सबसे बेस्ट फरवरी और मार्च का महीना होता है। हम आप जब पपीता लगाते हैं तो पपीते की दूरी हमें आपको कम से कम 8 से 10 फीट की दूरी रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ताइवान 786 के बारे में। अगर हम आप पपीता ताइवान 786 की हाइट की बात करें तो हाईएस्ट हाइट जो होनी चाहिए 8 इंची होनी चाहिए। ताइवान 786 की सबसे खास बात यह होती है कि सबसे पहली चीज़ तो ये 10 से 12 महीने में आपको फल दे देगा। दूसरी सबसे खास बात ये होती है कि एक पौधे के ऊपर फल की क्वांटिटी जो होती है, अगर हम वेट की बात करें तो ये वेट कम से कम कुंटल से 1.5 कुंटल के आसपास में फल दे देता है। बाकी की अधिक जानकारी पाने के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें या फिर भोली निधि नर्सरी पर संपर्क करें। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन की बटन ज़रूर दबा देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।